ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में नहीं होगी, हम यहाँ मैचेस नहीं खेलेंगे भारत में। आप सोशल मीडिया पे जाएं, बहुत ज़्यादा इस बारे में बात होती है। पता नहीं किस चीज़ का गरूर है, घमंड है या जहालत है, मैं तो कहूँगा। अगर भारत नहीं आया वहाँ पे तो उनको मोटा लॉस हो जाएगा, वही पैसा मांग रहे हैं। इनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तानियों का। मोटा पैसा लाओ, पैसा जल्दी से इंडिया से बोलो पैसा दे दे, बस मोटे नोट आने चाहिए। दैट इज ऑल दैट दे आर इंटरेस्टेड इन यार पाकिस्तानीज। काफिरों को मारो, पैसा कमाओ, दैट्स इट। टू थ्योरीज हैं इनकी लाइफ में। पाकिस्तान ने इस वक्त अभी चंद दिन पहले भारत में पूरा वर्ल्ड कप खेला, इंडिया में पाकिस्तान ने अपने तमाम के तमाम मैचेस खेले और तमाम तर मुश्किल सूरत हाल के बावजूद भी आप ये देखें कि पाकिस्तान की टीम भारत गई। आईसीसी का इवेंट था, पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट पूरी की, पाकिस्तान ने जो भी उसकी तकाजे थे बैन अल-अक़वामी क्रिकेट के उसको निभाया और पूरे किए हैं। और अब अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत में से कोई भी ये कहता है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत होनी चाहिए और जैसे एशिया कप हुआ था वैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान की मेजबानी है और इस पर दुनिया क्रिकेट को भी पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और ये सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। आज भी कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप में हमने वीजा दिया पाकिस्तानियों को, ये हमारी गलती थी, ये इंडियंस की गलती थी, हम लोगों की गलती थी, हमने उन आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को अपने मुल्क में आने दिया। ठीक है, वही 10 आए थे 26-11, उस समय कैप्टन अजमल कसाब था पाकिस्तानी टीम का जो 10 आए थे, इस बार 11 आए हैं। उनका कैप्टन बाबर आजम है, अजमल कसाब और बाबर आजम में कोई फर्क नहीं है दोस्तों, इनकी ज़हनियत एक जैसी है बिल्कुल, जिहाद फी सबीलिल्लाह। आप में इतनी काबिलियत, इतनी सकत है कि एक आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करो और मेरा छनगड़ा आप होस्ट करोगे। 3 ग्राउंड है हाड़े कोल, वो भी माशाल्लाह बिल्कुल पाठी किस्म के ग्राउंड ने, वो भी बिल्कुल फारग पाठी किस्म के वो ग्राउंड है, और चले हो के जी चैंपियंस ट्रॉफी हमने होस्ट करनी है और आईसीसी को बेसिकली पैसे कौन देता है? बीसीसीआई। नसीम भाई, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही हो अभी कुछ टाइम बाद पाकिस्तान में होगी, आपको क्या लगता है क्या इंडियन बोर्ड का उस वक्त क्या रवैया होगा, बीसीसीआई का रवैया क्या होगा, क्या वो उधर खेलने आएंगे, क्या आप समझते हैं? देखिए, अगर यही रवैया रहा नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत का रवैया रहा तो मेरे ख्याल है कि तो बहुत मुश्किल है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बहुत माइटी है, बहुत ताकतवर है, आईसीसी के पास तो दांत ही नहीं है। लेकिन आगे नहीं है, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में, 2030 में वर्ल्ड कप ज्वाइंट होस्ट है इंडिया और बांग्लादेश, तो आप मतलब अभी से इन सारी चीजों को, 2025 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, इसका इंडिया पूरा जोर लगाएगा कि यहां से किसी तरह निकल जाए। दोस्तों, आप सबको तो ये न्यूज पता चल गया होगा, अब भारत 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगा क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में ये न्यूज आ रहा है, और हालांकि टाइम है लेकिन आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा। और पाकिस्तान अब से रोना धोना शुरू कर चुका है और पाकिस्तान ये भी क्लेम कर चुका है अगर भारत नहीं खेलने आ रहा है तो जो पैसा है वो पाकिस्तान को दे दे और भारत आए या ना आए पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, पाकिस्तान तो मीडिया के सामने ये रोना धोना कर रहा है कि 2025 भारत के कारण चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगा, दुबई में होगा, लेकिन सच्चाई ये है पाकिस्तान खुद चाहता है वो चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के अंदर ना करे, दुबई में करे, लेकिन ब्लेम भारत के ऊपर जाए कि नहीं भारत हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर कोई ब्लेम ना हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट और पीसीबी के ऊपर कोई एक तरीके से आप कह सकते हो उंगली ना उठाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको वीडियो में आखिर में डिटेल्स में पॉइंट वाइज समझाऊंगा। अब आप पाकिस्तान मीडिया का जो भी इस पर रिएक्शन है आप देख लीजिए, मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वक्त अभी इस सिलसिले में कहना ज़रा कबलज वक्त होगा, इस वजह से कि देखें पाकिस्तान में भी इंटरिम गवर्नमेंट है, कोई बाकायदा हुकूमत नहीं है, और अगले साल नरेंद्र मोदी उनके आम इलेक्शन होने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर जो है, तो नरेंद्र मोदी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो दोबारा जीत जाते हैं उनका रवैया आने वाले वक्त में कैसा होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर शादी में भी आ चुके हैं, ये भी आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके लिंक्स नहीं है या ताल्लुकात नहीं है, वो सब हैं। उनका नज़रिया ऐसा है कि जिसमें वो अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो फिर उनकी हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगी, उसी बुनियाद पर उन्होंने जो है वो अपनी हुकूमत को कायम किया हुआ है। इलेक्शन के बाद उनकी हुकूमत का रवैया क्या होता है, हमारी जो नई हुकूमत आती है उसका रवैया क्या होता है, क्योंकि ये 2025 में ये उस वक्त की हुकूमतों पे डिपेंड करेगा। आप अगर यही रवैया रहा तो आई डोंट थिंक इंडिया आएगा। इंडिया, मैं एक और बात बताऊं, पाकिस्तानी इतने ढीठ हैं, ये लाहौरी इतने ढीठ हैं, इतने बेशरम हैं, इतने बेगैरत हैं कि अगर भगवान ना करे इंडिया की टीम जाती है और भगवान ना करे उनके ऊपर अटैक होता है, ये कहेंगे इंडिया ने खुद करवा लिया हमें बदनाम करने के लिए। ये ऐसे ढीठ के बच्चे हैं लाहौरी, और किसी टीम को पाकिस्तान में सिर्फ एरा गैरा खतरा है जैसा पाकिस्तान में सबको रहता है, इंडियन टीम को एक स्पेशल खतरा है पाकिस्तान में, और वो स्पेशल खतरा ये है इंडियन क्रिकेट टीम को कि इंडियन टीम और इंडियंस के खिलाफ पाकिस्तान में
खास एक किस्म की नफरत पाई जाती है। हमें अच्छा भिखारी पैसा भी मांग रहे हैं एडवांस में, अभी साइन नहीं हुए कागज कि पाकिस्तान में ही होगा, अभी होस्टिंग राइट्स नहीं हुई, नहीं मिली इनको आईसीसी से। लालची के बच्चे इतने हैं ये लाहौरी कि अभी से कह रहे हैं कि हमें पता है इंडिया नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी नहीं आएगा, इंडिया को बोल देना पैसे हमें दे दे पहले। इनको क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है भाई, इनको क्रिकेट से एक रुपए का कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ ये है कि भारत आएगा तो दुनिया देखेगी, तो डिजिटल राइट्स, तो टीवी राइट्स, तो एडवर्टाइजिंग राइट्स, क्योंकि इनको ये पता है कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होगा तो दुनिया देखती है इंडिया पाकिस्तान का मैच, जाहिर सी बात है, और उसमें 90% इंडिया वाले देखते हैं, पैसा तो इंडिया से आ रहा है, पाकिस्तान की तो इतना बिलांद भर सी पॉपुलेशन है उनकी। आप बेसिकली पैसे जो लेते हैं वो बीसीसीआई के होते हैं, खुद आप बीसीसीआई के टुकड़ों पे पाल रहे हो और बीसीसीआई को कह रहे हो हमारी कंट्री में आ गए एशिया वर्ल्ड कप खेलें। भाई जान नशे में तो नहीं आप लोग, कहीं घंटे हो बिल्कुल वाकई आप लोग। टीम इंडिया कभी भी बीसीसीआई या उनकी गवर्नमेंट पाकिस्तान में इंडिया को कभी भी नहीं भेजेगा। कुछ भी कर लो देख लो, आज जो न्यूज आई है, जो आज सुबह से बात गर्दिश कर रही है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं करवाई जाएगी और टीम इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान में खेलने नहीं आएगी। बेटा वो चैंपियंस ट्रॉफी शादी वाली कुर्सी पे बैठ के कोई नहीं देखेगा, उसके लिए आपको वीआईपी ग्राउंड बनाने पड़ेंगे। वर्ल्ड कप खेल के आए हो ना इंडिया में, ग्राउंड तो देखे होंगे आप लोगों ने, स्टेडियम्स तो देखे होंगे, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को कंपीट कर रहे हैं इंडिया के स्टेडियम्स, देखे तो होंगे आपने कितना वीआईपी सिस्टम था उधर। आपके ये घंटे घंटे गए थे ना खेलने खुलने, जिन होटल्स में इनको ठहराया गया है, जो वीआईपी प्रोटोकॉल इनको दिया गया है, क्या आप टीम इंडिया को पैसा दे दोगे? मेरा छनकना दोगे आप? ज्यादा से ज्यादा आप सरीना में उनको ठहरा दोगे, उसके अलावा तारे कोई होटल ही नहीं है, उसके अलावा तो कोई होटल ही नहीं है हमारे पास। अब इसके तो दो सूरतें होंगी ना, या तो हाइब्रिड मॉडल होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, और या करवा लो दूसरा वेन्यू चेंज। इतना तो हक बनता है, 85% उनका रेवेन्यू हो जाता है आईसीसी। अपने मुल्क के हर बात पे 85% रेवेन्यू ले आते हैं। नहीं पता क्या हमारे ये चलता आईसीसी में ऐसे ही होता है हमेशा, आप देख ले उठा के मैचेस। सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न पे बात करें वो देख, वो रिलेटेड ड्यूटी की बात है, तो ये हर पर्सन का राइट है, चाहे वो किसी भी कास्ट से है, किसी भी मजहब से, वो उनका राइट है कि वो, और उस पर हमें माइंड नहीं करना चाहिए। आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं कर रही, आपको आपका आपकी कंट्री अलाउ नहीं कर रही, और सिंपल सी बात है, हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो जब हम उनसे पूछते हैं उनके प्लेयर से, तो वो कहते हैं जी गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो हम आ जाएंगे। तो देखिए पाकिस्तान, एक पाकिस्तान ही क्या, आईसीसी को जितना पैसा जाता है 80% मुनाफा इंडिया से ही जाता है, और पाकिस्तान को जितना भी रिवेन्यू मिलता है आईसीसी का 7% 5%, उसमें से भी 80-90% पैसा भारत से ही जाता है। और पाकिस्तान को पता है चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान मैच में जितना रिवेन्यू होगा, बाकी टूर्नामेंट में मिलाकर भी शायद उतना रिवेन्यू ना हो। लेकिन पाकिस्तान में मैं जो बोला था शुरू में कि पाकिस्तान क्यों चाहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी खुद पाकिस्तान में ना हो, इसके पीछे रीजन है कि पाकिस्तान के पास अब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पाकिस्तान के पास सफिशियंट स्टेडियम ही नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो मैच होगा 8 या 10 टीम जो खेलने जाएंगे वो एक तरीके से आप कह सकते हो अच्छे से 15-20 दिन या एक महीना जितना भी टूर्नामेंट चलेगा जितना दिन वो हो पाए। लेकिन पाकिस्तान खुद तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर रहा है, या फिर वक्त ही नहीं है 1-1.5 साल में कोई नया स्टेडियम बनाए या फिर जो पुराना स्टेडियम है उसे ठीक करे। लेकिन वो चाहता है कि भारत के ऊपर ब्लेम डाल के इस चीज़ से निकल जाए और बदले में उसको पैसा भी मिल जाए और उसका दोनों काम हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा, पाकिस्तान में बेइज्जती नहीं होगा, और जो पैसा उसको मिलना चाहिए था वो भी मिल जाएगा। इसलिए अब पाकिस्तान शुरू से ही, मतलब 1.5 साल है अभी भी, शुरू से ही वो फोर्स नहीं कर रहा है कि नहीं भारत आए, लेकिन अब वो उनका मेन पॉइंट है कि नहीं हमें पैसा भारत से मिलना चाहिए, मतलब जितना अगर पाकिस्तान में मैच होता जितना पैसा उनको मिलता उस हिसाब से एक रकम वो सोचकर बोल रहे हैं कि नहीं हमें मुआवजा बीसीसीआई या फिर आईसीसी उतना पैसा दे दे ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ना भी हुआ तो वो ब्लेम कर देंगे नहीं बीसीसीआई और मोदी के कारण नहीं हुआ। इससे आप अंदाजा ला सकते हो ये लोग कितने दोगले हैं, खुद के गलती को छिपाने के कारण भारत के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि भारत ना जाए, ये मैच दुबई में ही हो, क्योंकि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर तो छोड़ दीजिए, अगर स्टेडियम अच्छा भी होता हमारे प्लेयरों का जान वहां पर खतरे में है, पता नहीं कौन कहां से आकर फट जाएगा ये। और ये शुरू से अगर आप, अब तो 8-10 साल बीच में खेल बंद था, अगर पीछे जाओगे 2010 से पहले 1990 से 2010 तक बहुत सारे अटैक बाकी दूसरे क्रिकेट टीम पर हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं।
देखना होगा 2024 इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट का क्या फैसला होता है और पाकिस्तान में जो इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आता है उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा दोनों देशों के बीच रिलेशन क्या 2025 में होगा उस टाइम में, उस पर सारा कुछ रहेगा निर्भर कि भारत जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन अब से लग रहा है कि शायद भारत बिल्कुल भी प्लेयर भेजने की मूड में नहीं है और ये बिल्कुल सही फैसला होगा गवर्नमेंट का अगर हम हमारे प्लेयरों को बाहर ना भेजकर दुबई भेजे। पाकिस्तान को पैसा देंगे या नहीं देंगे वो तो अलग बात है, नहीं भी देंगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा हमारा, क्योंकि जैसे मैंने कहा आईसीसी बीसीसीआई के कारण चलता है ना कि पाकिस्तान के कारण। पाकिस्तान से टिक सकता है, मीडिया में प्रोपेगेंडा कर सकता है, नहीं तो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ पावर नहीं है कि वो भारत के ऊपर दबाव डालकर बीसीसीआई से पैसा निकाल पाए। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।